प्यारे विद्यार्थियों तुहाडा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अज के इस वीडियो दे विच असी कंप्यूटर साइंस जमात छेवें पाठ एक दी अभ्यास हल करांगे। इस तो पहला तुसी पाठ एक बारे पढ़ चुके हो और कंप्यूटर दी मुढ़ली जानकारी हासिल कर चुके हो। अज के इस वीडियो दे विच खाली थावां उस तो बाद सही गलत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न अते वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न हल करांगे। जेकर तुसी क्वेश्चन लिखण विच लेट हुंदे हो तां वीडियो नूं पॉज करके वीडियो नूं रोक के तुसी अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हो। चलो शुरू करते हाँ। सब तो पहला खाली थावां दे विच सब तो पहला आउंदी है नंबर एक कंप्यूटर खाली थां कर सकता है गणनावां डाटा अते हदायतां प्राप्त, नंबर तीन स्टोर, नंबर चार उपरोक्त सारे। तुसी सुनिया होएगा या पढ़िया होएगा पाठ के विच कि कंप्यूटर की काम कर सकता है। इस विच कंप्यूटर के सारे काम दसे गए हैं। इन्हां दे विचों किहड़े काम कंप्यूटर कर सकता है या फिर ये सारे काम कर सकता है तो असी जानते हाँ कि कंप्यूटर गणनावां भी कर सकता है, डाटा ते हदायतां प्राप्त करता है, डाटा नूं स्टोर भी करता है। इस करके इसका सही उत्तर होगा नंबर चार। सैकेंड नंबर दो कंप्यूटर अपने काम बहुत आसानी नाल खाली थां नाल करता है, रफ्तार, शुद्धता, गुणवत्ता, नंबर चार उपरोक्त सारे। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ही कंप्यूटर के विशेषतावां दे नाल संबंधित हैं कि कंप्यूटर की काम करने की रफ्तार बहुत तेज़ होंदी है, शुद्धता नाल कंप्यूटर काम करता है क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी है शुद्धता है वह बहुत ज़्यादा होंदी है जेकर ऑपरेटर उस विच डाटा सही इनपुट करता है, और उसकी गुणवत्ता जो उसकी क्वालिटी है वह भी बहुत सही होंदी है। इस करके जो इसका आंसर होएगा इसका आंसर नंबर चार उपरोक्त सारे। अगे नंबर तीन की गल करिए बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग किस काम लई किया जाता है। तुसी कदी बैंकों में गए होने सुनिया होना देखिया होना कि कैंप बैंक दे विच कंप्यूटर नाल की काम किए जाते हैं। तो इस विच जो ऑप्शन दिए गए हैं नंबर एक बैंक नूं सुरक्षित रखने लई, नंबर दो खात्यां दा रिकॉर्ड रखने लई, नंबर तीन बैंक नूं साफ रखने लई, जां नंबर चार इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है नंबर दो खात्यां दा रिकॉर्ड रखने लई कंप्यूटर की वरतों बैंक विच कीती जांदी है। नंबर चार सिक्ख्या दे खेत्र विच कंप्यूटर की वरतों किस काम लई कीती जांदी है। नंबर एक नोटिस बनाने लई, नंबर दो नतीजे तैयार करने लई, नंबर तीन रिपोर्टा तैयार करने लई, नंबर चार उपरोक्त सारे। तो तुसी स्कूल दे विच देखिया होना है कि जिन्हें भी नोट्स बनाए जाते हैं या टीचर द्वारा नोट्स तैयार किए जाते हैं तो वह सारे कंप्यूटर राही बनाए जाते हैं, नतीजे तैयार किए जाते हैं उस विच भी कंप्यूटर की वरतों की जाती है, या फिर जो रिपोर्टा तैयार कीतिया जाती हैं वह भी कंप्यूटर से तैयार कीतिया जाती हैं। इस तरह इसका जो सही उत्तर है नंबर चार जो उपरोक्त सारे। नैक्सट नंबर पांच इन्हां विचों केड़ी कंप्यूटर की एक खामी है। खामी का मतलब कि कंप्यूटर की कमी दसनी है, जो कंप्यूटर के विच कमी है रफ्तार, शुद्धता, कोई समझ ना होना या अंधक। तो कंप्यूटर की रफ्तार बहुत होंदी है इस करके इसकी खामी नहीं है, शुद्धता उसकी एक्यूरेसी पूरी है 100% होंदी है तो यह भी इसकी खामी नहीं है। नंबर तीन जो है कोई समझ ना होना यह कंप्यूटर की खामी है क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होंदा, अपनी कोई उसकी सोच नहीं होंदी, उसनों सिर्फ जिन्नियां हदायतां दित्तियां जांदियां हन जो उसनों कोडिंग करके इंस्ट्रक्शन दित्तियां जांदियां हन कंप्यूटर उसके बेस पर ही काम करता है। इस करके इसका सही उत्तर ई है। जो लास्ट ऑप्शन सस्ता सी अंथक, तो कंप्यूटर अंथक काम करता रहता है, वह इंसान की तरह कदे भी थकता नहीं है। सही जां गलत लिखो। असी कंप्यूटर की मदद नाल ट्रेन अते हवाई जहाज की टिकट बुक कर सकते हाँ। तो यह तुसी देखिया होना कभी मौका मिला होवे टिकट बुक कराउण दा, तां जो अपन ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट बुक कराउंदे हाँ तो उस टिकट की जो बुकिंग है वह कंप्यूटर की मदद नाल कीती जांदी है। इस करके ये सही है। नंबर दो कंप्यूटर गणनावां नूं 100% शुद्धता नाल नहीं कर सकता, तो यह गलत है क्योंकि कंप्यूटर गणनावां नूं 100% शुद्धता नाल करता है। जेकर आपां प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपां उस नूं कमांड दिंदे हाँ बस बिशर्ते डाटा उस विच सही एंटर किया जाना चाहिए है तो कंप्यूटर गणनावां नूं 100% सही करता है। कंप्यूटर विचला डाटा बहुत लंबे समय तक स्टोर रहिंदा है।
बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क के डाटा स्टोर किया जाता है, चाहे एस एस डी अजकल आ चुका है, सॉलिड जो ड्राइव आते हैं, इन्हों के डाटा जो स्टोर किया जाता है तो जिन्नी देर तक उस ड्राइव में डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, तोड़ मरोड़ के सुटा नहीं जाता, उन्नी देर तक डाटा उसके स्टोर रहता है। कंप्यूटर विच भावना और समझ नहीं होंगी। ये बिल्कुल सही गल है कि कंप्यूटर के विच ना तो कोई भावना ना की चीज़ है, तो ना ही कोई समझ ना की चीज़, सिर्फ वो अपने द्वारा दित्तियां कमांडां ते काम करता है। बट आने वाले कुछ सालों के विच तुसीं इहो जिहे कंप्यूटर भी देखोगे जिन्हां दे विच भावना अते समझ हुंदी है, क्योंकि जो अजकल AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी की मदद नाल जो रोबोट तैयार किए जाए जा रहे हैं, वह भी कंप्यूटर टैक्नोलॉजी के उपर निर्धारित हैं। और उस तरह ही कंप्यूटर जो अजकल अगे आने वाले टाइम आप देखांगे वो सारे AI होणगे, यानी कि उन्होंने भावना और समझ ना की चीज़ होएगी, वो इंसान को देख के समझ सकया करनगे कि इंसान की कहना चाहता है, ज इंसान की कुछ सोच रहा है, और वो उसनों देख के अपना डिसीजन खुद लिया करनगे, उन्होंने कमांड की जरूरत नहीं पिया करनी, वो अपने आप इंसान की तरह काम कर सकया करनगे। बट हजे तक यहोजे कंप्यूटर नहीं आए तो यह कंप्यूटर दे विच भावना ते समझ नहीं हुंदी, इस करके ये बिल्कुल सही है। खाली थावां परो, कंप्यूटर एक खाली थां है। इलैक्ट्रॉनिक मशीन, मोबाइल एक खाली थां डिवाइस है। तो मोबाइल केड़ा डिवाइस है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब हुंदा है जिसनों आपां आसानी दे नाल एक थां तों दूजी थां ते लिजा सकते हाँ। कंप्यूटर द्वारा किसी भी काम नूं करन लई लगाए गए समय की इकाई खाली थां हुंदी है। कंप्यूटर हर काम नूं बहुत फास्ट करता है, इस करके जो उस द्वारा काम किया जाता है उस समय नूं नापन की जो इकाई है वह मिली सैकेंड हुंदी है। समय की सब तो छोटी इकाई जो मिली सैकेंड विच कंप्यूटर के काम के जो समय नूं नापया जाता है। खाली थां विच एक माउस का काम करने लई टचपैड भी लग्या हुंदा है, तो यह लैपटॉप के विच लग्या हुंदा है। कंप्यूटर के नाल आपां PC के नाल एक माउस लग तो लाते हाँ, बट जो अपना लैपटॉप आता है उस दे विच टचपैड लग्या हुंदा है जो माउस का काम करता है। छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, नंबर एक कंप्यूटर नूं परिभाषित करो। कंप्यूटर बिजली नाल चलन वाला वह उपकरण है जो यूजर तो इनपुट दे तौर पर डाटा लेंदा है अते हदायतां दे समूह प्रोग्राम की मदद नाल इनपुट किए डाटा नूं प्रोसैस करता है अते नतीजा आउटपुट दे तौर पर दिंदा है। कंप्यूटर बिजली नाल चलन वाला एक वो उपकरण है जो यूजर तो इनपुट दे तौर पर डाटा लेंदा है अते हदायतां दे समूह प्रोग्राम की मदद नाल इनपुट किए डाटा नूं प्रोसैस करता है अते नतीजा आउटपुट दे तौर पर दिंदा है। प्रश्न दो, सिक्ख्या के खेत्र विच कंप्यूटर के प्रयोग की व्याख्या करो। उत्तर, सिक्ख्या के खेत्र विच कंप्यूटर का प्रयोग विद्यार्थियों अते अध्यापकों द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी कंप्यूटर की वरतों नोटिस तैयार कर, ड्राइंग कर, प्रोजैक्ट बनाने आदि लई करते हैं। अध्यापक कंप्यूटर की वरतों नतीजा तैयार करने लई, टाइम टेबल तैयार करने लई अते रिपोर्ट बनाने लई करते हैं। ये वीडियो कुछ फास्ट चल रही होएगी, ताडे तो नहीं आंसर लिखे जा रहे तो वीडियो नूं रोक के तुसीं आंसर इत्थे नोट कर सकते हो और उस तो बाद कंटिन्यू अगे इसनूं प्ले कर सकते हो। प्रश्न तीन, किसी तीन पोर्टेबल कंप्यूटिंग यंत्रां दे नां लिखो। पोर्टेबल कंप्यूटिंग यंत्रां दे नां मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न, कंप्यूटर दीआं की विशेषतावां हन। उत्तर, कंप्यूटर दीआं कुछ महत्वपूर्ण विशेषतावां निम्न दर्शाए अनुसार हन। गति, कंप्यूटर हरेक काम नूं बहुत तेज गति नाल करदा है। शुद्धता, कंप्यूटर हर तरह दीआं गणनावां 100% शुद्धता नाल करदा है। भरोसेयोगता, कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए नतीजे गलती रहित अते भरोसेयोग हुंदे हन। अंथक, कंप्यूटर काम करदे समय इंसान दी तरह थकदा नहीं। आटोमेशन, कंप्यूटर दित्तियां गई हदायतों अनुसार काम नूं अपने आप करता रहिंदा है। स्टोरेज, भंडारण, कंप्यूटर की भंडारण समर्था बहुत ज़्यादा हुंदी है, इस दी मैमरी विच स्टोर डाटा बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहिंदा है। यह सारिया कंप्यूटर दीआं विशेषतावां हन। प्रश्न दो, कंप्यूटर दे कोई तीन प्रयोग खेत्रां दी व्याख्या करो। कंप्यूटर के प्रयोग खेत्रां तो भाव वह सारे खेत्र जिन्हां विच कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ खास प्रयोग खेत्र निम्न अनुसार हैं, सिक्ख्या,
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਬੈਂਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਪਟੋਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 2 ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨੰਬਰ 2 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।